बाबर 11 तुमसे ना हो पाएगा। वर्ल्ड कप में कौमी टीम चौथी शिकस्त के करीब। फाइनल फोर में जाने का ख्वाब मजीद धुंधला गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच 11 खिलाड़ी 9-2-11 नजर आए। बाबर आजम और सऊद के अलावा कोई ना चल सका। इमामुल हक मुसलसल नाकाम। कई सवाल उठ गए। पीसीबी हुकाम का बाबर आजम को नजरअंदाज करने लगे। कप्तान की जका अशरफ से फोन पर बात करने की कोशिश नाकाम। बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर भी राबता ना हो सका उनसे भी। जबकि टीम जराए का बताना है कि बाबर आजम बदलती सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता है। पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। भारतीय मंसूबा फ्लॉप। इंडियन ड्रोन की पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम। जफरवाल सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के 76 बरस। दुनिया भर में योम सियाह। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ एहतजाज, रैलियां और सेमिनार। सदर वजीर आजम की कश्मीरियों से यकजहती। ISPR का नगमा। गजा पर इसराइली जारहियत। 24 घंटे में 480 शहीद। शहादतें 7326। सिहोनी फौज ने नमाज जुमा के लिए मस्जिद अक्सा बंद कर दी। गजा पर अब तक कितने टन बारूद बरसाया गया, जानिए इसी बुलेटिन में। असासे बनाने और सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस। 10 नवंबर तक जवाब तलब। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत खारिज। इजलास का ऐलामिया जारी। सब ने यह फैसला किया है, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम वन डॉक्यूमेंट रजीम, जिसका नाम दिया हमने, पॉलिसी बनाई है। जो दो दिन रह गए हैं हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली, और हम रिपेट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरवर्ड्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे। सिर्फ 4 दिन रह गए, फिर एक्शन होगा। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि गैर कानूनी बाशिंदों को निकालेंगे। वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी रियासत का फैसला है, किसी का रोजगार नहीं। स्मगलिंग बंद की तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफ़ी नहीं है। जो बंदा उनको हेल्प कर रहा होगा रहने में, उनको इलीगल छुपाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी काफ़ी सख्त क्रैकडाउन का फैसला हुआ है। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। 1 नवंबर से इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पंजाब में हज़ारों गैर कानूनी बाशिंदे हैं। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंतबाह। मजीद कहा, जो इन्हें गैर कानूनी रखेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत रद्द। खराज मुकदमा की दरख्वास्त भी कबूल ना हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। कहा, इस्तगासा के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने साइफर हासिल किया फिर गुम कर दिया। मुदरजात तोड़ मड़ोड़ कर पेश किए गए। खुसूसी अदालत ने पुलिस को चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन से तफ्तीश की इजाज़त दे दी। PIA माली बहरान। 58 परवाजें मंसूख। 4 तैयारे ग्राउंड। सैकड़ों मुसाफिर परेशान। कौमी इदारे का नुकसान 8 अरब हो गया। मरम्मत के लिए फी कस तैयारे पर 30 से 40 मिलियन डॉलर की जरूरत। लाहौर चूहंग में दरीना दुश्मनी पर 5 अफराद कत्ल। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस। IG पंजाब जाए वकुआ पर पहुंच गए। मटका फैज माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मटका फैज खाने आता हूँ, बहुत जबरदस्त होते उनके फैज खाने बहुत है। कराची में फ्रेंच फ्राइज की नई किस्म। हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए मटका फ्राइज मुतारफ। शाम के वक्त शहरी बर्न्स रोड पर स्पेशल डिश खाने पहुँच जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।